सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं राहुल, आप देख रहे हैं आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स के बारे में, जो हमारे खासकर नोज पे हो जाते हैं और खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है ब्लैक हेड्स, जिनके फेस बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं या फेस ऑयली है, नॉर्मल ऑयली, उन्हें भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स हो या व्हाइट हेड्स, होना ही होना, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हमारे लाइफ के बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स। तो ब्लैक हेड्स को परमानेंटली रिमूव करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल से मैं दो मेथड लेकर आया, यानी दो रेमेडीज लेकर आया हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको चाहिए ओटमल यानी कि दलिया, दूसरा आपको चाहिए कर्ड यानी कि दही, यानी जैसे हम योगर्ट भी बोलते हैं, और दूसरा आपको चाहिए नेक्स्ट आपको कोलगेट चाहिए, उसके अलावा आपको सी सॉल्ट चाहिए। तो हम फर्स्ट रेमेडीज बताएंगे जो कोलगेट से बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है इसमें एक क्लीन बॉल, क्लीन बॉल के अंदर आपको लेना है कोलगेट। तो हम यहाँ पे जो है कोलगेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसमें सी सॉल्ट ऐड करेंगे, लगभग 1 टीस्पून हमें ऐड करना है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टीस्पून से ज्यादा मत मिलेगा। और इसमें आप थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लीजिए, वाटर की सहायता से बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए इसको। इस तरह से आपको पेस्ट तैयार कर लेना है, और पेस्ट तैयार करने के बाद जो है आपको ब्रश की सहायता से ब्रश को आप अच्छे तरह से इस तरह से लगा लीजिए, और लगाने के बाद जो आपके नोज पे जहां पे ब्लैक हेड्स है वहां पे आपको कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये था हमारा पहला मेथड, और अप्लाई करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट रेमेडी। तो नेक्स्ट रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है क्लीन बॉल। तो हमने यहाँ पे क्लीन बॉल ले लिया, और इसमें हम ऐड करेंगे ओटोमिल। तो चलिए हम ओटोमिल ऐड कर लेते हैं, 2 टेबल स्पून जो है हमने ऐड कर लिया ओटोमिल, और इसमें हम 3 टीस्पून जो है दही ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमें लगभग 1 टीस्पून जो है लेमन का जूस ऐड कर लेना है, ठीक है। हमने लेमन का जूस ऐड कर लिया, और जूस ऐड करने के बाद बिल्कुल एक थिक सा आपको पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से मैं आपको बना के अभी दिखाता हूँ। आपका पेस्ट जो बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा, योगर्ट यानी 1 टीस्पून जो है आप लेमन ऐड कर लीजिए, उस लेमन जूस, और उसके बाद 2 टीस्पून जो है ओटोमिल, और 3 टीस्पून जो है आप योगर्ट यानी दही ऐड कर लिया, और दही ऐड करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बनाए, और इस पेस्ट को जो है आप लगा करके कुछ इस तरह से अपने ब्लैक हेड्स पे जो है अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लगभग कुछ मिनट तक आपको अप्लाई करके इसे मसाज करना है, मसाज करने के बाद आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक आप इसे छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद इसे आपको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो आपके ब्लैक हेड्स जो काफी आसानी से रिमूव हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। आप इसे रेगुलर बेसिस पे चाहे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, या वीक में 4 बार यूज करना चाहे 4 बार यूज कर सकते हैं। मैं आपको मेथड सबसे बेस्ट में, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस दोनों मेथड को, फर्स्ट जो आपका कोलगेट सी सॉल्ट का, दूसरा आपका ओटोमिल योगर्ट और लेमन का, इन दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको इसमें भी अप्लाई करके 10 से 15 मिनट को छोड़ना है, इसे भी अप्लाई करके आपको कुछ मिनट तक आपको मसाज करना है, मसाज करने के बाद जो आपको 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको वॉश कर लेना। ये ब्लैक हेड्स को आसानी से रिमूव करेगा, और जो योगर्ट में होता है माइल्ड होता है, जो हमारे हमारे जो ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में काफी ज्यादा मदद करता है। ओटोमिल जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, और साथ ही साथ हमारे जो पिंपल्स होते हैं या किसी भी तरह के फुंसे वगैरह हमारे फेस पे निकल रहे होते हैं वो उन्हें रिमूव करता है, और ऑयली फेस को जो है रिड्यूस करता है, अंदर से क्लींजिंग भी करता है आपके फेस को, क्लीन करके आपके जो भी ऑयली होता है उसे ऑयली फेस को बिल्कुल ड्राई कर देता है, और मॉइस्चराइज भी करता है, जो कि मॉइस्चराइज करने का काम जो है हमारा दही करता है यानी कि योगर्ट करता है। इस तरह से आपके फेस जो ज्यादा ड्राई भी नहीं होंगे, और आपके फेस पे नमी बना रहेगा, और साथ ही साथ आपके जो
ब्लैकहेड से वो ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया और काफी अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, और इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए ताकि इस वीडियो को आप बाद में देख सके। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, बेहतरीन बेहतरीन वीडियो। इसे देखने के लिए और मिस नहीं करने के लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और साथ में आपको बेल आइकन कर देना होगा प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा और इस तरह से हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।